जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कोरोना सस्पेक्टेड केस की बुधवार की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे रेलवे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही पूरे वार्ड को सैनिटाइज कर वार्ड को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि 12 तारीख को एक युवक को ओपीडी में देखने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसे खांसी, जुकाम और सिर दर्द की शिकायत थी। युवक हरियाणा से यात्रा करके गोरखपुर पहुंचा था, जिसे भर्ती करके उसकी सैंपलिंग कराई गई थी। बुधवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन युवक की हालत में पहले से सामान्य हो गई है, जिसे रेलवे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही एहतियात के तौर पर पूरे वार्ड को सैनिटाइज कराकर उसे बंद कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, अमित नाम का एक युवक 12 तारीख को ओपीडी के द्वारा भर्ती कराया गया था। उसे खांसी, जुकाम, सरदर्द की शिकायत थी। वो हरियाणा से यात्रा करके आया था। उन्हें एडमिट करके उनकी सैंपलिंग कराई गई। सैंपल की रिपोर्ट आ जाइए, जिसमें कोरोना पॉजिटिव आया है। इस समय उनकी स्थिति काफ़ी सामान्य हो गई है। उन्हें कोविड हॉस्पिटल ललित मोहन रेलवे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट करने के बाद पूरे वार्ड को, जिधर वो भर्ती थे, उसे सैनिटाइज किया गया है और उसे 24-48 घंटे के लिए हम लोग बंद रखे हैं। आज 8 लोगों की सैंपलिंग कराई गई है हमारे यहाँ ट्रूनेट मशीन के द्वारा, उनकी जाँच होगी। उसमें से अधिकतर के सर्जरी के हैं, जिनका कि कल या अगले दिन ऑपरेशन होना है।